अस्सलाम गाइस, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज मैं अपने एक दोस्त के आरे पे आया हुआ था। बहुत सारी लकड़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, देखने को मिलेंगी। ये बहुत बड़ा आरा है। ये मेरा एक दोस्त है, इसका नाम है शफकत, बल्कि हाफिज़ मोहम्मद शफकत साहब, उसका ये आरा है। आज मैं उसके पास आया हुआ हूँ। काम तो करने के लिए कुछ है नहीं, आप लोग जानते ही हैं कि इंसान जब डिग्री हासिल कर लेता है पाकिस्तान में, तो उसके बाद घूमने फिरने के अलावा, घूमने फिरने ही कह सकते हैं, उसके अलावा कोई और काम नहीं है। तो सोचा कि अपने साथ आप लोगों को घुमा फिरा लूँ, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं सर्दी की वजह से या किसी और वजह से, या मेरी तरह बेरोज़गारी की वजह से। कोई बात नहीं, आप लोग लकड़ियाँ देख के गुजारा करें। यहाँ पर आपको हर किस्म की लकड़ी मिलेगी। डीजी खान में इनकी एक अपनी शॉप भी है, जहाँ पे चक्की भी चलाते हैं। ये पहले आरा वहीं पे था, अब ये आरा कन्वर्ट हो चुका है। समीना चौक के पास कोई जगह है, उस जगह पे। तो ये पीछे मेरा दोस्त आ गया, इसका नाम है हाफिज़ मोहम्मद शफकत साहब, और ये मेरी तरह चाय का बहुत बड़ा शेदाई है, बल्कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा है। ये नाश्ते से पहले 2 कप पीता है, मैं नाश्ते के बाद 2 कप पीता हूँ। ये नाश्ते से पहले भी 2 कप पीता है, और नाश्ते के बाद तो फिर बस फिर पानी की जगह इसका चाय का ही चलता है निज़ाम। सही, यहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि कीकर की लकड़ी मिलेगी, जो सबसे अच्छी होती है जलाने के लिए और जल्दी भी जल जाती है। और वो कटी हुई फॉर्म में भी है और फुल फॉर्म में भी है, शॉर्ट फॉर्म में भी और फुल फॉर्म में भी है। तो देखते हैं कि अभी मेरा दोस्त ये क्या कर रहा है। ये मेरा दोस्त इस वक्त चाय के कप धो रहा है, दोबारा चाय बनाने की तैयारी कर रहा है। ये देखो जी, इसने आग जलाई भी है, बल्कि इसने पानी रख दिया है। इसने मुझे कहा तो था कि आते हुए 50 रुपये का दूध लेना, पैसे मुझसे ले लेना, लेकिन मेरे पास 50 रुपये थे नहीं, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही चला जाता हूँ, दूध देखा जाएगा। वैसे इसके पास ये 2 काओ भी खड़ी हैं, जिसको हम भैंसें कह सकते हैं, 2 भैंसें खड़ी हैं। और मैंने कहा कि यार 50 रुपये का दूध मैं लेकर आऊँ, वो 2 नंबर दूध मिलेगा, यहाँ पर 1 नंबर दूध खुद ही निकाल लेते हैं। ये देखें जी, ये चाय बनाते हुए इनिशियल प्रोसेस चाय बनाने का ये है। सबसे पहले तो इसने लकड़ियाँ जला रखी थी, क्योंकि लकड़ियाँ जलाना ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे गैस तो है नहीं कि गैस खोली, तिली लगाई और आग जल गई। तो पहले इसने लकड़ियाँ जलाई, उसको अच्छी तरह से जलने दिया। जब पूरी उसने तसल्ली कर ली कि अब लकड़ियाँ ये नहीं बुझने वाली, ये आग नहीं बुझने वाली, तब इसने क्या किया कि पानी ले लिया थोड़ा सा, और उसमें थोड़ी सी पत्ती डाल दी। अब ये कावा बना रहा है। ये देखें, ये कावा तैयार हो रहा है। उसके बाद जब तक ये काम हो रहा है, उसने सोचा कि मैं ये साबुन ले आऊँ और इससे कप साफ़ कर लूँ। 2 कप रखे हुए हैं। बहुत मेहमान नवाज है यार ये मेरा दोस्त, है पंजाबी लेकिन इसकी हालत, सलाम करो यार अपने। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो ये भाई साहब वैसे बहुत वीक हो चुके हैं, लेकिन एक दौर था जब ये बड़े बड़े कटुओं को कुछ समझते नहीं था, उठा उठा के ऐसे फेंक फेंक के मारता था बेचारा। फिर बीमार हो गया, दुबई गया था अच्छी हालत में, लेकिन अच्छी हालत में अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं आ सका। वापस आया तो बहुत सारी तो नहीं, एक ही बीमारी लेकर आया था, जिसने इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। तब ये चल भी नहीं पाता था, लेकिन अब माशाल्लाह इसकी हालत बहुत अच्छी है, पहले की तरह माशाल्लाह सेहतमंद होता जा रहा है। और हम अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं इसके लिए कि अल्लाह पाक इसको बिल्कुल पहले भी, बल्कि पहले से ज़्यादा तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। और इस बात का अंदाज़ा हमें उस वक्त पता लगता है, उस वक्त चलता है जब हम बीमारी के किसी दौर से गुजर रहे होते हैं, जब इंसान बीमार होता है। अल्लाह पाक हम सबको बीमारी से बचाए, और अपनी जो नवाजिश है, नेमत है सेहत, उससे हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, उससे लुत्फ़अंदोज़ होने की हमें अभी मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, बस आप लोग समझ ही गए होंगे। तो सोच रहा हूँ कि इतनी वीडियो काफ़ी है यहाँ पे दिखाने के लिए, कुछ और तो नहीं है। हाँ, बहुत सारी लकड़ियों के अंबार ज़रूर हैं, बहुत सारे अंबार हैं लकड़ियों के। आसपास थोड़ी सी आबादी भी है, और उस आबादी में बेशतर जो आबादी है वो गरीब लोगों की है, जिनके पास अपने रिहाइश के लिए घर नहीं है। और अब मैं वहाँ पे कैमरा लेके तो जाने से रहा, क्योंकि गरीब लोग हैं, वो सोचेंगे कि हमारा मजाक उड़ा रहा है, लोगों को दिखाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस हमारे पाकिस्तान की कुछ आबादी ऐसी भी है जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, और अल्लाह पाक का शुक्र है हम अपने घरों में, पक्के घरों में सही सलामत सर्दी गर्मी धूप जो कुछ भी है हम उसमें महफूज रहते हैं। लेकिन ये बेचारे जहाँ भी इनको जगह मिलती है वहाँ पर टेंट लगा के अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने से हमेशा नीचे वालों को देखना चाहिए कि वो लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तब इंसान को अल्लाह पाक की दी गई नेमतों का पता चलता है कि हम कितनी आसाइश में हैं, हम कितनी खुशियों में हैं। जब ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं तो फिर अपना गम भूल जाता है।
लेकिन माशाल्लाह फिर भी वो लोग उन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट हमें देखने को मिलती है। अच्छा जी, दोबारा इसने कावा उतार लिया और इसने इसमें अदरक मिलाया। यार मेरा गला ख़राब तो नहीं था, आपने अदरक आपने क्यों मिला दिया इसमें? भाई जरा बड़े बगैर तो ये बात कहने की क्या ज़रूरत है यार। ये लोग तो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता था, आपने ये बात नहीं बतानी मेरे व्यूअर्स को। खैर अब ये ज़्यादतियात को उतर रहा है, ये ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।